इस बार जब आपकी बीजेपी में वापसी हुई है तो इसके पीछे क्या टिकट की कोई आपसी सहमति बनी है या फिर आप बिना शर्त पर पार्टी में वापस आए? एकदम से कोई निर्णय तो होता नहीं, इससे जाके हम ज्वाइन कर लेंगे कार्यालय पहुंच के, इस विषय में भी चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं सर ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि राजनीति में किसी को अपना गॉडफादर या नेता ना बनाना भी आपके विरोध में चला गया। कई बार मैं बोलता हूँ, कई बार जो नए लड़के राजनीति में जुड़ते हैं आते हैं बोलते हैं मैं आपको सीखना आपसे, तो मैं यही कहता हूँ जी कि मुझे देख के एक ही बात सीखना कि मैं जो करूँ तुम वो मत करना जी, तो तुम आगे बढ़ जाओगे। तो फिर सर क्या वजह हुई कि शुरुआत में आपने संगठन छोड़ा, फिर आप कांग्रेस में भी गए, 3-4 महीने ही आप कांग्रेस में रहे, फिर आप वापस भी आ गए? 3-4 महीने 14 महीने रहा कांग्रेस में, मैंने कभी राहुल गांधी को पप्पू नहीं बोला होगा। फिर अभी तक ये मूलभूत परिवर्तन क्यों नहीं हो पाए, चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या रोजगार की बात करें? कुछ काम जो है करने वाले जब आ जाएंगे तभी हो पाएगा। जब हमने भी अपना रिसर्च में देखा तो आप पारंगत तरीके से जो आपका चुनाव प्रचार है वो ज्यादा चलता है, जैसे घर घर जाना, फेस टू फेस वाले हैं, फेसबुक तो ठीक है। सर अभी वर्तमान में यदि मैं जबलपुर जिले की बात करूं तो भाजपा के अंदर भी काफी ज्यादा गुटबाजी देखी जा रही है। कुछ पार्टी तो ऐसी यदि गुटबाजी खत्म हो जाए तो पार्टी खत्म हो जाए वो। लेकिन सर वो जो 25% हैं उनके ऊपर महंगाई का इतना बोझ है कि वो अपना जीवन स्तर नहीं बदल पा रहे हैं। मैं स्वतः चुनाव लड़ने से मना कर दूं यदि मैं परिस्थितियों को ना बदल पाऊं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव ददीची हड्डियां गलाने, आओ फिर से दिया जलाएं। पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां जिस व्यक्तित्व को रेखांकित करती हैं, उसने अपने संपूर्ण जीवन में संगठन के लिए निस्वार्थ काम किया, परंतु इच्छित फल ना मिलने के कारण बगावती स्वर भी अपनाए। परंतु कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को यदि वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, परंतु ये राजनीति है और यहां आपका अतीत आपके वर्तमान और आपके भविष्य को अवश्य प्रभावित करता है। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाते हैं जिनके आदर्श अटल जी रहे और बगावत के कारण आपने पार्टी छोड़ी और दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है धीरज पटेरिया जी, और सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि बीजेपी में आपकी दोबारा से वापसी हुई, और खासकर आपके क्षेत्र की जो कार्यकर्ता हैं ये बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। इसी संदर्भ में मेरा एक आपसे प्रश्न है कि पिछले बार आपने जब बीजेपी से बगावत की थी तो मेन मुद्दा टिकट ना मिलने का था, तो इस बार जब आपकी बीजेपी में वापसी हुई है तो इसके पीछे क्या टिकट की कोई आपसी सहमति बनी है या फिर आप बिना शर्त पर पार्टी में वापस आए? पार्टी में आने के पहले चर्चा जरूर हुई है और विस्तार से सब बातों में बात हुई है, तो एकदम से कोई निर्णय तो होता नहीं, इससे जाके हम ज्वाइन कर लेंगे कार्यालय पहुंच के, तो सब बातचीत होके और विषय यदि आप चुनाव का पूछते हैं तो इस विषय में भी चर्चा हुई है जी, उसके बाद ही ज्वाइनिंग हुई है जी। लेकिन ये सब निर्णय जो है काफी होने में समय बाकी है, तो बहुत जल्दी कहना सब ठीक नहीं कि सब कुछ हो गया है, सब बात हो गई है, चलता रहता। तो मतलब ये मानना चाहिए कि उत्तर मध्य क्षेत्र से आप अपनी दावेदारी भविष्य में जरूर प्रस्तुत करेंगे सर? अब दावेदारी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है जी, टिकट का पहली बार प्रयास किया था तो तब हमारे ओंकार तिवारी जी बहुत सीनियर नेता थे और बहुत बड़े नेता थे यहाँ पे जी, तो जब उनका देहावसान हुआ था उसके पश्चात तो दावेदारी शब्द जो आपने कहा तो उस वक्त दावेदारी की गई, तो उसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अभी जी, क्योंकि पार्टी की जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं अंदर मैं भी शामिल रहता था, बहुत से केवल अपनी विधानसभा नहीं अन्य विधानसभा में भी कहाँ ठीक ठाक निर्णय होना चाहिए तो अपने तरफ से बोलना चलना रहता था उसमें, तो दावेदारी इसका विषय नहीं है कोई, और चूंकि तो चुनाव लड़के आ रहे हैं जी तो दावेदारी में सब कुछ बताना पड़ता है बायोडाटा लेके कि हम हम इस पद पे रहे और ऐसा किया और वैसा किया और हम टिकट की इच्छा रखते हैं, तो अब उस से बात ऊपर आ चुकी है जी। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा कद था आपका युवा मोर्चा के, आप प्रदेश अध्यक्ष थे और देवेंद्र फडणवीस भी आपके सहकर्मी हुआ करते थे उस समय पे, और शिवराज सिंह चौहान जी उस समय अध्यक्ष थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि टिकट को लेकर इतनी बातें हो गई और आपको बीजेपी तक छोड़नी पड़ी सर? ये बोलते हैं राज्य सब चीजें राजनीति का हिस्सा है जी, और इसको आप स्वीकारते हुए राजनीति करें, आप ये मत माना कि यदि आप में सारी योग्यताएं हैं तो आप वो
उन योग्यता के अनुसार आपको दायित्व पद काम मिल ही जाएगा जी, या आप उस मुकाम पे पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि ये राजनीति है जी, पार्टी पॉलिटिक्स है, इसको बहुत खुले मन से लेना चाहिए। भगवान राम कितने उनसे योग्य कौन रहा होगा, उनको वनवास जाना पड़ा था उनको, तो ये सब चलता रहता है। और मैं इस बातों को बहुत खुले मन से लेता हूँ, इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हाँ, जिस मुकाम पे पहुंच जाना चाहिए तो वहां पे नहीं हूँ जी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मन छोटा करके हम घर पे बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सेल्फ कमिटमेंट है, खुद से किया हुआ वादा है कि हमें सार्वजनिक जीवन में रहना है, लोगों के लिए यथासंभव जितना भी अपनी हैसियत अनुसार काम करना वो करते रहेंगे जी, और अपने क्षेत्र की और देश की सेवा के लिए जो कुछ करते बन पड़ेगा वो करते रहेंगे जी। चुनाव हो अथवा ना हो, राजनीतिक पार्टी में हो अथवा ना हो, अभी इसके पहले मैं 3.5 साल किसी पार्टी में नहीं था कोई सदस्य, लेकिन काम जो था उसको लगातार प्रयास में था कि काम में कोई रुकावट ना आए, काम चलता रहे। जो हम सेवा कार्य को लेके राजनीति से जुड़े थे, और राजनीति जो समाज सेवा का मैं मानता हूँ सबसे ताकत और बेहतर माध्यम है, तो उसमें लगातार भूमिका कहीं ना कहीं बनी रहे, इसमें प्रयास रहा जी। सर, अक्सर आपके वक्तव्यों में देखा गया है कि आपने बोला है कि मेरा कोई नेता नहीं रहा, और संगठन के जो भी नेता हैं उन्हीं को मैंने हमेशा अपना नेता माना, तो कहीं ना कहीं सर ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि राजनीति में किसी को अपना गॉडफादर या नेता ना बनाना भी आपके विरोध में चला गया। कई बार मैं बोलता हूँ, कई बार जो नए लड़के राजनीति में जुड़ते हैं आते हैं बोलते हैं मैं आपको सीखना, आपसे तो मैं यही कहता हूँ जी कि मुझे देख के एक ही बात सीखना कि मैं जो करूँ तुम वो मत करना जी, तो तुम आगे बढ़ जाओगे, तो बाकी तो करने क्या करना बहुत से बता देंगे आपको, लेकिन इतना मुझे देख के सीख लेना। तो मैं तो बहुत ईश्वर भगवती की बहुत कृपा मानता हूँ कि जैसा आप बोल रहे हैं वैसे होते हुए भी कहीं ना कहीं राजनीति में एक पहचान तो पाली, कोई मुकाम पाया नहीं पाया, लेकिन पहचान पाई। और आप भी ये बात कह रहे हैं कि हाँ, चूँकि भाई जिसमें अंबानी या अडानी जो भी यदि जाके आज बड़े बिजनेस एम्पायर चलाते हैं तो उनको बैंक की आवश्यकता पड़ती है जी, ऐसे ही जो राजनीति करता हो नेता की आवश्यकता पड़ती है कि कोई रास्ता दिखाए, तो रास्ता दिखाने वाला हो सकता है कोई, तो आपको तो जो अच्छा दिखाए चुन लो आप में इतना होना चाहिए कि जो अच्छा बता रहा सीख लो आप, क्योंकि आपका उपयोग ना हो सदुपयोग हो जी। सर, राजनीति में आपने आदर्शों की बात करी कि उच्च आदर्श होने चाहिए, और उन उच्च आदर्शों का खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ा, तो एक आम कार्यकर्ता जिस जो आप के अंदर अपना नेता देखता है या आपको आदर्श मानता है, कहीं ना कहीं वो उस बात से हतोत्साहित नहीं होगा कि हम इतने समर्पण होकर किसी संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं और भविष्य में हमें भी शायद धीरज पटेरिया जी की ही तरह खामियाजा ना भुगतना पड़े। उसको हतोत्साहित तब होता जब मैं घर बैठ जाता जी। हम आज भी मैदान में, हम कभी हटे नहीं मैदान से, बताते रहते हैं लगातार। इसमें यह नहीं कि हम पार्टी में हैं तो ही सक्रिय रहेंगे, पद पे हैं तो ही सक्रिय रहेंगे, चुनाव जीतेंगे तो ही सक्रिय रहेंगे, हमें तो काम करना है। काम करने के लिए आपको किसी पद पार्टी की आवश्यकता नहीं है, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, आप में अकेले चलने की शक्ति होना चाहिए, अकेले चलोगे आपके पीछे कर्म होगा। तो फिर सर क्या वजह हुई कि शुरुआत में आपने संगठन छोड़ा, फिर आप कांग्रेस में भी गए, 3-4 महीने ही आप कांग्रेस में रहे, फिर आप वापस भी आ गए, तो जब आप एक अकेले चलने की बात कहते हैं तो फिर हमेशा संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इस बार भी आपको फिर से संगठन की आवश्यकता पड़ी? पहली बात आपको बता दूंगा, 3-4 महीने में 14 महीने रहा कांग्रेस में। अच्छा, मैं अपनी मैं माफी चाहता हूं। ज्यादा रहा जी, आपने तब बताया जी, लेकिन मैं एक जो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने मुझे दुपट्टा उड़ा के जो भी सदस्यता दिलाई जी, उसके अलावा उस क्षण के अलावा कभी किसी ने देखा ही नहीं मुझे, क्योंकि आप सक्रिय नहीं रहे कांग्रेस के दौरान जी। नहीं, मैं अपने काम करते रहा, मैं सक्रिय रहा, लेकिन वो कभी, और जबकि कांग्रेस के छोटे नेता थे, बड़े नेता थे, बहुत खुश थे जी, उनकी सरकार थी, बहुत से मंत्रियों को फोन आया कि हमें बहुत अच्छे नेता की प्राप्ति हुई है, कोई भी काम आप हमें बताना, हम बहुत खुश हैं आपके आने, लेकिन कभी मन नहीं बना पाए, चूंकि विचारधारा का अंतर्द्वंद मेरे अंदर था। मैंने बताया कि परिस्थितियों के वशीभूत हो गए आदमी, परिस्थितियों का दास होता है आदमी, निर्णय किया जी, लेकिन कभी
और मैं उसको बहुत अपने जीवन का ऐसा हिस्सा मानता हूँ को मैं भूलना चाहूँगा उसको, लेकिन भूल नहीं पाऊंगा जी। सिद्धू ये जो भाषण भाजपा के मंच पे देते थे वर्ड टू वर्ड में कांग्रेस के स्वर पीट कर दिए जाके, तो उसका एक मीम बनता है, लोग दिखाते हैं उसको। तो कम से कम ऐसा कुछ मेरा हो तो आप जरूर मुझे लाके दिखाना, एक लाइन एक वीडियो कुछ भी। मैं कभी नहीं बोला जी, मैं बोलना चाहूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी को भी कभी नहीं कहा। आप मेरे मैंने कभी राहुल गांधी को पप्पू नहीं बोला होगा, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर कहीं भी जाकर देख नहीं बोलता हूँ, मेरा स्तर थोड़ी ना व्यक्तिगत प्रभाव नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करना चाहिए, कभी व्यक्तिगत होना नहीं चाहिए राजनीति। बिल्कुल, हम चूंकि विचारधारा के लिए काम करें, विचारधारा में व्यक्तिगत नहीं होती जी, वो सार्वभौमिक होती है। तो आपको इस अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, अपना स्तर आप अपने कार्यशैली से बता सकते हैं, आप बोलने से नहीं बता सकते जी। तो उसी दौरान सर आपने विवेक तन्खा जी के कार्यों को बहुत सराहा था, उनका जो विजन जबलपुर था उसकी काफ़ी तारीफ करी थी और जबलपुर क्षेत्र के वर्तमान सांसद की कार्यशैली पे प्रश्न भी उठाए थे, तो क्या आज भी आप उन बातों पर कायम हैं? नहीं, मैंने और दोनों बिल्कुल बिल्कुल, विवेक तन्खा जी बहुत अच्छे इंसान हैं और राजनीति में तो मेरे ख्याल चुनाव लड़ने की शुरुआत 2014 में लड़े हैं लोकसभा का वो, और एक 8 में उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए थे, तो उनको वोटिंग, बाकी वो सामाजिक गतिविधि में थे, मैंने बहुत पहले से उनको जानता हूँ जी। और जैसे वो एक कार्यक्रम कर रहे थे शहडोल में आदिवासियों के बीच में, स्वास्थ्य इनका हेल्थ कैंप था जी, हफ्ते भर का था जी, हजारों लोग का किया उन्होंने, वहां को चुनाव तो लड़ना नहीं था जी। तो इन सब बातों में देखता था कि कहीं ना कहीं यानी भाई सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, बेहतर इंसान है, बहुत लोग की मदद करते हैं वो, मैं आज भी तारीफ करूंगा उनकी, बेहतर इंसान है बिल्कुल। आप चलिए, आज की वर्तमान राजनीति में विरोधी पक्ष का भी सराहना करने वाले बहुत कम ही नेता मिलते हैं, तो अच्छे को मैं इस मामले में आपकी बिल्कुल प्रशंसा करूंगा सर। सर, युवा आपसे बहुत प्रभावित रहता है, और आपके क्षेत्र के युवा की भी बात करें और पूरे प्रदेश स्तर की भी मैं बात करूं, तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या आपके अंदर है कि युवाओं का खास आकर्षण आपके प्रति है, और भविष्य में आपकी युवाओं के प्रति क्या योजना है? क्योंकि मध्य प्रदेश का युवा बहुत ही ज्यादा दुखी है, सरकारी नौकरियों में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यापम का घोटाला सामने है, पीएससी के रिजल्ट हमेशा हाईकोर्ट्स में जाकर फंस जाते हैं, प्राइवेट नौकरियां हमारे यहां पर है नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन खासकर जबलपुर क्षेत्र में बहुत ही कम है, तो युवाओं को आप ऐसा क्या देना चाहेंगे सर बदले में? देखिए, युवाओं को जो प्राथमिकता उनकी रोजगारी होता है जी, वो अपनी गृहस्थी बाद में आते हैं या दुनिया में सफल बाद में कहलाते हैं जब तक उनके पास रोजगार ना हो जी। और बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा अभिशाप है, बिल्कुल कोई मान सकता है इसको। सरकार के पास सीमित पद होते हैं, सीमित साधन है, लेकिन सरकार आज की तारीख में स्वरोजगार भी बहुत दे रही है, ऐसे भी सीखो कमाओ योजना आई है, उसमें जिसको रोजगार मिलना है उसको तो फायदा है ही, जो उनको रोजगार दे रहा है उसको ही फायदा है जी। कि इसकी 75% तनख्वाह जो है सरकार देगी, 25% जिससे वो काम कर रहे हैं वो देंगे। तो इस तरह की कुछ प्रयास हैं जो और भी आगे होना चाहिए। परंतु प्रदेश में विगत 20 वर्षों से आपकी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी विगत 10 वर्षों से आपकी पार्टी की सरकार है, फिर अभी तक ये मूलभूत परिवर्तन क्यों नहीं हो पाए, चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या रोजगार की बात करें, और फिर से आगामी चुनाव में एक और कार्यकाल की आप मांग जनता से कर रहे हैं, तो आखिर जनता कब तक पेशेंस रखेगी सर? ये बात सही है, अब कुछ काम जो है करने वाले जब आ जाएंगे तभी हो पाएगा, तो मुझे ऐसे स्थान पर पहुंचने दीजिए आप जी, करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद सर। मैं अभी इंटरव्यू को सर समाप्त नहीं कर रहा हूँ, और बहुत कुछ जानने को है आपसे, खासकर सर जैसे कि आपने बताया कि युवाओं के बीच में आप बहुत जागरूक हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट उतना नहीं आया। जब हमने भी अपना रिसर्च में देखा तो आप पारंगत तरीके से जो आपका चुनाव प्रचार है वो ज़्यादा चलता है, जैसे घर घर जाना। आज का समय आईटी का क्षेत्र है सर, हर किसी के पास एक मीडिया सेल है, आप इन सब चीज़ों में कभी ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे, तो आगामी चुनाव में कुछ नई रणनीति के साथ आप आना चाहेंगे? मीडिया और सोशल मीडिया का महत्व तो अपनी जगह है जी, लेकिन हम कई फेसबुक अकाउंट मेरा जब फेसबुक आ गया तब खुल गया था, तो लोग और मैंने फेसबुक देखना शुरू किया है, मतलब नियमित पहले देख लेता था हल्के, लेकिन उसमें बहुत कंटेंट नहीं डाल पाता था, जब से लॉकडाउन हुआ तब मैंने जाकर फेसबुक देखी जी। लेकिन
तब मैं फेसबुक स्टार्ट हो गई थी, तो कोई मिलता तो मुझसे कहता था कि मैं आपसे फेसबुक पर जुड़ा हूँ, तो मैं कहता था यार फेस टू फेस वाले हैं, फेसबुक तो ठीक है, तो फेस टू फेस वाले हैं हम, ये बोलते रहते थे जी। और अब भी उसी वैसे ही रहेंगे जी। हम वो सोशल मीडिया से मतलब ठीक है, आपको सपोर्ट है वहाँ पे मिल जाएगा आप, लेकिन उसी को सब कुछ न मान लें आपकी, इसी इसी में सब कुछ होना है कि हमने अपने एक रील बना के डाल दी, उसमें हमारी 30 सेकंड में हमारे कई रूप दिख गए उसमें, तो ये सब जो है ये शोशेबाजी थोड़े से लोगों को दूर होना पड़ेगा, नहीं तो ये जमीनी काम ओवर हवा में आ जाएंगे, वैसे तो हवा में चलते हैं जो नए राजनीति में आते हैं, सोशल मीडिया के चक्कर में और हवा में आ जाएंगे, इसलिए हम जैसे कुछ लोग ऐसे कम से कम जमीन पर खड़े रहें जी, यही धरातल पर रहो भाई जी, तभी चलेगा काम बिल्कुल, क्योंकि आप किसी की गरीब की झोपड़ी में जाना पड़ेगा आपको, तब आपका राजनीति माना सार्थक है। आप सोशल मीडिया का थोड़ा मदद देना, आप अपने काम को दिखाने के लिए कीजिए, क्योंकि हर खबर आपकी अखबार में नहीं छप सकती है और चैनल पे भी नहीं दिखाई जा सकती, तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए सोशल मीडिया का, वहाँ तक ठीक। सर आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे परंपरागत विकास की बातें तो हर कोई करता है, लेकिन आपका प्रचार का तरीका अलग है, लोगों से मिलने जुलने का और कार्यशैली भी आपकी पूरी अलग है, तो जबलपुर में ऐसे कौन से क्षेत्र आप देख रहे हैं जहां पर विकास की कमी आपको लग रही है और उसको अलग तरीके से कैसे आप ठीक करना चाहेंगे? जबलपुर बढ़ता हुआ शहर है जी, तो इसमें तो बहुत असीम संभावना है काम करने की, और निश्चित रूप से रिसोर्सेज भी इतना होना चाहिए आपके पास भाई, सरकारी व्यवस्था तो ठीक होती है लेकिन जनता को भी आगे आना चाहिए इन सब कामों में, और जनता को साथ लेने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है जी, कि वो कम से कम ये विश्वास दिलाए कि भाई आपके प्रयास का सदुपयोग होगा, प्रयास मतलब आपका जो सहयोग है, आर्थिक सहयोग जो भी जिस रूप में आप कर रहे हो सदुपयोग है, तो केवल सरकार तक सीमित रह जाए प्रयास जो है, उसमें जनता को भी शामिल होना चाहिए और करने वाला होना चाहिए जी। सर अभी वर्तमान में यदि मैं जबलपुर जिले की बात करूं तो भाजपा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी देखी जा रही है, तो इस गुटबाजी से निपटने के लिए और अपनी दावेदारी को पुख्ता करने के लिए आपने क्या योजना बनाई है? सर गुटबाजी तो राजनीति का फिर बोलूंगा, फिर भी गुटबाजी सर्वाधिक जहाँ न्यूनता है वो भाजपा में जी, न्यूनतम है, और कुछ पार्टी तो ऐसी इनके जिसमें गुटबाजी खत्म हो जाए तो पार्टी खत्म हो जाए, वो उनके लिए गुटबाजी आवश्यक है क्योंकि वो विभिन्न गुट जो है पार्टी को सक्रिय रखते हैं जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कम से कम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ पे गुटबाजी न्यूनतम है। चलिए सर, तो जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी आगामी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो मैं अंतिम बार ये जानना चाहूँगा कि आखिर आपकी क्षेत्र की जनता से क्या क्या वादे आप करेंगे कि दोबारा वो आपको उसी तरह का जन समर्थन दिखाएं जैसा विगत चुनावों में दिखाया था? मैं तो ये मानता हूँ कि मैं पिछले बार निर्दलीय लड़ा था जी, तो मैंने ये कहा था कि रोड बनवाना, ये निर्माण कराना, वो निर्माण भवन बना देना, ये सब काम तो सब करेंगे बिल्कुल, विधायक निधि से काम करा लिया, सांसद निधि से काम करा लिया, उस काम को मैं शून्य मानता हूँ, शून्य को कुछ नहीं, इसके अलावा क्या किया? यदि मैं झोपड़े में वोट मांग के विधायक बना था, वापस उसी झोपड़े में चला गया, वो झोपड़े ही यदि उस रूप में है तो ये मेरी असफलता है, मैं चुनाव लड़ने लायक हो ही नहीं। जिसको स्वास्थ्य, शिक्षा और ये मूलभूत हमारी चार चीजें होती है, वो बिजली जो चाहिए वो ऐसे 25% लोग हैं जिसके लिए मोहताज हैं, उनकी जिंदगी बदल हो जाती है 5 साल। लेकिन सर वो जो 25% हैं उनके ऊपर महंगाई का इतना बोझ है कि वो अपना जीवन स्तर नहीं बदल पा रहे हैं सर, तो महंगाई के मुद्दे को कैसे डील करेंगे आप और क्या वादे करेंगे जनता से और क्या पुख्ता उनको इस बात की देंगे कि हम महंगाई को काबू में करेंगे? सर देखिए, अभी महंगाई के विषय में बोलने लायक तो शायद मेरे ख्याल से अभी मेरे पास इतना सक्षम मंच नहीं है जी, लेकिन हाँ उनको ये कर सकते हैं कि हाँ आपको अभाव ना रहे, इसका प्रयास हम कर सकते हैं, किसी प्रकार का अभाव ना हो, ये हमारा करना काम है। और आपका जैसे बताया कि आपके बच्चे हैं तो अच्छी शिक्षा की तरफ चले जाए, अच्छे आप साफ सुथरे कपड़े पहन पाए, वो उनको भोजन अच्छा मिले, स्वास्थ्य शिक्षा मिल जाए उनको, ये हमारा प्रयास रहेगा। जब ये होगा तो वो भी आगे बढ़ के सक्षम होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, वो जो जीवन स्तर उठाने वाली बात जो कह रहा हूँ, जिंदगी बदलेंगे हम आगे। किसी को उसी हाल में छोड़ दिया, वोट लेके चले गए, हमने कुछ पकड़ा दिया, वोट ले लिया, ये मेरा स्वभाव ये नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा।
मैं स्वतः चुनाव लड़ने से मना कर दूं यदि मैं परिस्थिति को ना बदल पाऊंगा, क्योंकि जो सामान्य ढरे का काम होता है चलता ही रहता, वो तो भाई ठीक है निर्माण कार्य चलते रहते, कई जगह तो रोड जो है रोड के ऊपर रोड बनती ही रहती है, आदमी का जीवन स्तर तो नहीं उठता, रोड का हाइट बढ़ती आती है, वो नहीं करना है, लोगों के जीवन स्तर को उठाना। चलिए तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं धन्यवाद आगामी चुनौतियों के प्रति, और जनता का इसी तरह से पूर्ण समर्थन आपको मिलता रहे। इन व्यू की टीम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी।